हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका में आज हमने ये तीन चार नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस का बेस बनाया है ये बहुत आसान तरीके से बनाया गया है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें चलिए इसे बेस को बनाना स्टार्ट करते हैं पहले हम यहाँ पर चोली बनाएंगे चोली बनाने के लिए हम यहाँ पर पहले इस तरह से नॉट लगा लेंगे और नॉट लगाकर हम यहाँ पर सेवनटीन चेन बना लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन हमने यहाँ पे सेवनटीन चेन बना ली अब हम यहाँ पे वन टू थ्री थ्री चैन एक्स्ट्रा बना लेंगे उसके बाद वन टू थ्री चैन स्किप करके जो फोर्थ वाली है, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ये हमने एक डबल क्रोशिया बना, बना लिया यहाँ पर हमारे ये दो डबल क्रोशिया काउंट होंगे यहाँ पर ये दो डबल क्रोशिया काउंट होंगे अब इसके जो नेक्स्ट वाला स्टिच है यहाँ पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया इसी वाले स्टिच में हम एक बार डबल क्रोशिया और बना लेंगे अब यहाँ पर हर एक स्टिच में हम दो दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से दो बार डबल क्रोशिया बना लेंगे ये हमने बना लिया अब यहाँ पर जितने भी स्टिच हमें दिख रहे हैं सब में हम दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ लास्ट तक आ जाएंगे यहाँ पर हमने ये बना ली यहाँ पर हमारे थर्टी फोर डबल क्रोशिया बने हैं अब हम यहाँ पर इसे टर्न करेंगे और यहाँ पर वन टू थ्री यहाँ पे हमने तीन चेन बना ली और इसी वाले स्टिच में, में हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे ये हमारे दो डबल क्रोशे हो गए अब इसके नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे उसके नेक्स्ट में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए थर्ड वाले में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फोर्थ वाले में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे अब जो ये फिफ्थ वाला आएगा यहाँ पर हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले हमने यहाँ पर दो बार डबल क्रोशिया बना लिया था फिर वन टू तो, थ्री फोर चार स्टिच में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया और जो फिफ्थ वाला है उसमें दो बार डबल क्रोशिया बनाया ऐसे ही हम इसे आगे कंप्लीट कर लेंगे शुरू के स्टार्टिंग के जो फोर होंगे उसमें हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो फिफ्थ वाला आएगा उसमें दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे ही हम इसे कंप्लीट करते हुए यहाँ लास्ट तक आ जाएंगे अब हम यहाँ पर यहाँ पर हमारे फोर्टी डबल क्रोशिया बने हैं उसके बाद हम यहाँ पर वन और टू टू चेन बनाएंगे अब जितने भी स्टिच हैं सब में हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे हमें यहाँ पे एक भी बढ़ाना नहीं है जितने भी स्टिच है यहाँ पर हम सब में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ऐसे ही हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ लास्ट तक आ जाएंगे हर एक स्टिच में हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर हमने ये फोर्टी डबल क्रोशिया बना लिए अब हम इसे इस तरह से फाइव पार्ट में डिवाइड करेंगे फोर्टी हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे अब हम यहाँ पर वन टू थ्री थ्री, थ्री चेन बना लेंगे उसका जो नेक्स्ट वाला स्टिच है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए उसका जो नेक्स्ट वाला स्टिच है यहाँ पर फिर से एक डबल क्रोशिया ये हमारे तीन डबल क्रोशिया हो गए चार पाँच और ये हम एक और बना देंगे यहाँ पर हमारे ये छः डबल क्रोशिया हो गए और उसके बाद यहाँ पर हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ पर हम आठ डबल क्रोशिया इस्किप कर देंगे और जो नाइन्थ वाला आएगा वहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से यहाँ पर हमने छः डबल क्रोशिया बनाए थे फ्रंट में अब यहाँ पर ये बैक है इसकी तो यहाँ पर हम ट्वेल्व डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर हमने ये बारह डबल क्रोशिया बना लिए उसके बाद हम फिर से वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट चेन स्किप करके जो ये नाइन्थ वाली है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद यहाँ पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे ये दो डबल क्रोशिया तीन चार पाँच और अब जो ये लास्ट में हमें चेन दिख रही है यहाँ पर हम एक और बना देंगे तो ये हमारे छः डबल क्रोशिया हो जाएंगे ये कुछ किस तरह से शेप आएगी अब हम यहाँ पर इसे टर्न करेंगे यहाँ पे वन टू टू चेन बना लेंगे और इसके नेक्स्ट वाले स्टेज में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए अब हमें यहाँ पर जितने भी स्टेज दिख रहे हैं सब में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से हम सब में एक, एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाती हुई हम यहाँ लास्ट तक आ जाएंगे यहाँ पर हमने सब में डबल क्रोशिया बना लिए और हम यहाँ लास्ट में आ गए उसके बाद यहाँ पे हमने तीन चेन बनाई थी इसके लास्ट वाले चेन में हम यहाँ पर इस तरह से निकाल कर क्रशियों को यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे वन टू थ्री थ्री चेन बनाएंगे और जो तो इसका नेक्स्ट वाला ये जो यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसे अब पूरे को इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से निकाल कर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे ये हमारा फ्रंट पोस्ट होगा अब इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद ये जो हमें दिख रहा है अब हम इस वाली डबल क्रोशिया को नहीं छेड़ेंगे जो इसका नेक्स्ट वाला है इसके ऊपर हम यहाँ पे फिर से एक फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरीके से फिर नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए हम क्रोशिया को इसमें डालेंगे और ये पूरा इस तरह से निकाल देंगे उसके बाद फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे उसके बाद फिर फ्रंट पोस्ट और फिर इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ लास्ट तक आ जाएंगे अब इसे बनाते हैं हम यहाँ लास्ट में आ गए इसके बाद जो हमने जो तीन चेन बनाई थी उसमें ले जाकर थर्ड वाली चेन में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे अब यहाँ पर हम वन टू थ्री चेन बनाएंगे और इसी वाले स्टिच में हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए अब जहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टिच में फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे ऐसे हम इसे आगे बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे दो डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट फिर दो डबल क्रोशिया फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ऐसे ही इसे बनाते हुए हम यहाँ लास्ट तक आ जाएंगे हमने यहाँ पर ये इतना बना लिया लास्ट तक आकर बनाते हुए अब हम यहाँ पर फिर से थर्ड वाली चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे उसके बाद हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पे दो बनाए थे अब यहाँ पर हम तीन बनाएंगे नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर हमने तीन चेन बना ली अब जो इसका नेक्स्ट वाला स्टिच है यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक और दो फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे और फिर से इसके नेक्स्ट स्टेज में एक डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट वाले में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक और इसी में एक बार और बना लेंगे ये हमारे दो हो गए अब इसके बाद फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे इस तरीके से अब उसके बाद यहाँ पर फिर से तीन डबल क्रोशिया फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट फिर तीन डबल क्रोशिया फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ऐसे बनाते हुए हम यहाँ लास्ट तक आ जाएंगे हमने यहाँ पर इतना बना लिया अब फिर से हम यहाँ पे थर्ड वाले स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे अब यहाँ पर हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले रो में फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया इसके नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया अब जो इसका नेक्स्ट वाला आएगा यहाँ पर हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया और इसी में एक बार और ये हमारा दो बार डबल क्रोशिया हो गया इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे फिर से इसके नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया उसके नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया और जो ये थर्ड वाला स्टिच है यहाँ पर हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से हमने बना लिया ये फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट फिर यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया एक बार डबल क्रोशिया फिर थर्ड वाले स्टिच में दो बार डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ऐसे ही बनाते हुए हम इसे लास्ट तक आ जाएंगे हमने यहाँ पर इतनी बना ली यहाँ पर हमारी चार बुक कंप्लीट हो गई है अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर लेंगे अब यहाँ पर हमने चार डबल क्रोशिया बनाए थे अब नेक्स्ट में हम पाँच डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर हमने तीन चेन बना ली उसके बाद इसके नेक्स्ट में फिर से हमने एक डबल क्रोशिया बनाया उसके नेक्स्ट में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाया ये हमारे तीन डबल क्रोशिया हो गए और इसके नेक्स्ट में हम यहाँ दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे फिर से इसके नेक्स्ट में दूसरा डबल क्रोशिया अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे ये हमने बना दिया अब फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और जो लास्ट वाला आएगा यहाँ पर हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक डबल क्रोशिया फिर दूसरा डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे इसके नेक्स्ट में हम फिर से फाइव टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ऐसे ही बनाते हूँ हम इसे यहाँ लास्ट तक आ जाएंगे हम इसे बनाते हुए लास्ट में आ गए अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से यहाँ पर हमने पांच डबल क्रोशिया बनाए थे अब हम नेक्स्ट रो में छह डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर हमने पहले ये तीन चेन बना ली उसके बाद इसके नेक्स्ट स्टिच में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए नेक्स्ट में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाया ये हमारे तीन तीन डबल क्रोशिया हो गए नेक्स्ट में हमने फिर से बनाया ये हमारे यहाँ पर चार डबल क्रोशिया हो गए अब जो इसका नेक्स्ट वाला स्टिच है यहाँ पर हम दो बार बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और इसी में हम एक बार और बना लेंगे ये हमारे छह डबल क्रोशिया अब यहाँ पे फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे और नेक्स्ट वाला जो ये बॉक्स है इसके अंदर फिर से हम सिक्स बार डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट फिर सिक्स बार डबल क्रोशिया फिर फ्रंट पोस्ट फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ऐसे ही हम इसे बनाते हुए यहाँ लास्ट तक आ जाएंगे हम इसे बनाते हुए लास्ट में आ गए यहाँ पे हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स रो बनाई है अब यहाँ पर थर्ड वाले स्टिच पे ले जा करके इसे यहाँ पे इसे इस तरह से स्टिच कर देंगे फिर यहाँ नॉट लगा कर इसे कट कर देंगे ये कुछ इस तरह से देखिएगा अगर आप चाहें तो इसका घेरा और बढ़ा सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पे इतना ही रहने दिया है आप ये लड्डू गोपाल की ड्रेस का बेस बना लिया है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद